हैं इस टाइम पे। तो जो यान दो गुने कॉन्फिडेंस में होता है और उसकी टीम तो चार गुने कॉन्फिडेंस में, क्योंकि लगातार येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर के सक्सेसफुल अटैक के कारण जो यान जो था उसने काफी सारे जो वोन स्केलेटन थे उनको कवर कर लिया था, मतलब निपटा दिया था। साथ ही साथ जो हाई लेवल के स्केलेटन थे वो भी धीरे धीरे मरते जा रहे होते हैं और अपना मेमोरी और माइंडसेट खो रहे होते हैं। और अपने स्केलेटन आर्मी को मरता हुआ देखकर वो सोल बॉडी जो यान बाकी लोगों की तरफ देखता है और बिना मन के जोर जोर से हंसने लगता है। साथ ही साथ वो बोन थ्रोन उसकी अनबीटेबल हंसी के कारण थोड़ा सा ग्लो करने लगता है। साथ ही साथ बोन थ्रोन पे बैठी हुई उस एल्यूजनरी फिगर को ऐसा लग रहा होता है जैसे उसे सब कुछ समझ में आ गया हो, इसलिए वो ज्यादा देर तक अब खुद को रोक नहीं पाता क्योंकि चुल्ल जो मची थी आगे बढ़कर खुद ट्राई करने की, इसीलिए वो खड़ा हो जाता है। और खड़े होते ही वो अपनी हथेलियों को जोर से बोन थ्रोन पे मारता है और एक अजीब सी आवाज के साथ बोन थ्रोन का आर्मर टूट जाता है और टुकड़े हर जगह पर बिखर जाते हैं। साथ ही इस टाइम पे ये स्केलेटन एंसेस्टर जो कि एल्यूजनरी बॉडी थी काफी अदम्य गुस्से में होता है, उसकी ब्लड रेड आई चारों तरफ से जो यानो बाकी लोगों को देख रही होती है। साथ ही ब्लड रेड आईज को देखते हुए जो यानो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि इससे हर किसी की शरीर की आत्माओं को छेदने वाला एक डर उनके दिल में बैठ गया होता है। लेकिन यहाँ पे केवल जो यान की स्पिरिचुअल पावर पावरफुल थी इसलिए बाकी सभी लोग डरे हुए होते हैं, लेकिन अपना डर की घंटा नहीं डरता और बिना किसी डर के उन आंखों में आंखें डाल के देख रहा होता है जैसे कि उसके सामने क्यून मेडुसा यूनर जियो कुई जेनी और किंग मुयर हो। साथ ही साथ इन खून की प्यासी आंखों को देखते हुए हमारा टर्की स्माइल कर रहा होता है, जिसके बाद अपना टर्की स्माइल करते हुए ब्लड स्पिट आर्ट को एक्टिवेट करता है जिससे उसके ऊपर पड़ने वाला प्रेशर तुरंत ही धीरे धीरे कम होने लगता है। तभी वो स्केलेटन इंसेस्टर कहता है, यंग मैन तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर तो सच में काफी पावरफुल है और अगर मैं तुम्हारी इस स्पिरिचुअल पावर को अब्सॉर्ब कर लेता हूँ तो ये मेरे लिए काफी फायदेमंद होगी, तो तुम ये मुझे अपने से दोगे या मैं जबरदस्ती ले लूं? साला डबल मीनिंग बोल रहा है, जो भी जो यान से रुक जा। तभी जियान जब उसकी बात को सुनता है तो काफी हैरान होता है लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स भी था क्योंकि जियान को पूरी उम्मीद थी कि उसके पास जो स्किल है उससे वो इसकी बिलंका लगा सकता है। देखो लाइफ में दो चीजें होती हैं, पहला कॉन्फिडेंस, दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बुरी बात। तुम्हें हमेशा ये सोचना चाहिए कि तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो पीएससी और पटवारी का पेपर निकाल सकते हो, लेकिन ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो यूपीएससी ही निकाल सकते हो। यही कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस है और इस लाइन को सोचने के लिए मैंने पूरा एक मिनट बर्बाद किया है, तो लाइक मार देना। हालांकि जो ये स्केलेटन इंसेस्टर था ये इतना भी चूतिया नहीं था, चूतिया तो था लेकिन ज्यादा नहीं था। इसे पता था कि अपनी स्पिरिचुअल पावर से ये बेकार की स्केलेटन आर्मी खड़ी करने से अच्छा है वो खुद अपनी स्पिरिचुअल पावर से जॉन के साथ फाइट करे, क्योंकि अगर वो स्केलेटन आर्मी को भेजेगा तो जॉन उनकी लंका लगा देगा जिससे वो भी पेला जाएगा और आर्मी भी पेली जाएगी, और यही रिजल्ट तो जो यान भी चाहता था। हालांकि जो यान ये सुनकर काफी खुश होता है लेकिन उसके इम्प्रेशन दिखाने की हिम्मत नहीं होती। हालांकि इस टाइम पे अपने इस टर्की की स्पिरिचुअल पावर पहले ही एंड हो चुकी होती है, साथ ही डूकुई को तो पिल स्वेलो करके ठीक किया जा सकता था लेकिन स्पिरिचुअल पावर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता था, इसे केवल टाइम के साथ धीरे धीरे रिकवर किया जा सकता था। इसलिए जॉन ने अभी अपने दांत भींच रखे होते हैं, साथ ही साथ उसे काफी पेन हो रहा होता है जिससे वो चीखना चाहता था, लेकिन फिर भी स्पिरिचुअल पावर के सपोर्ट के कारण जॉन ऐसा कुछ भी नहीं करता और चेहरे पे कोई इम्प्रेशन नहीं दिखाता, जो देखकर स्केलेटन इंसेस्टर तुरंत ही कहता है, तुम कचड़े का एक टुकड़ा हो, मुझे तुम्हें मारना चींटी मारने जितना आसान है। और उसके बाद आसपास के डेजर्ट में ग्रीन कलर की लाइट कांपने लगती है और इसके बाद सभी स्केलेटन आर्मीज के सोल्जर जमीन में घुटने टेक देते हैं और उनकी खोपड़ी की वो हरी लाइट घूमते हुए सीधा ही उनकी खोपड़ी के अंदर चली जाती है और उसके बाद ये बाकी की स्केलेटन आर्मी बिल्कुल एक डमी स्केलेटन की तरह यहाँ पे खड़ी हुई होती है जैसे इन्हें बायोलॉजी की क्लास में हड्डियों का ढांचा दिखाने के लिए खड़ा किया गया हो। हालांकि यहाँ पे अपना टर्की बिल्कुल भी कमजोरी नहीं दिखाता और थके हुए होने के बावजूद भी ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली खड़ा हुआ होता है क्योंकि जियान समझ गया था ये जो स्केलेटन एंसेस्टर है ये उसकी स्पिरिचुअल पावर से डर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसे डरा के ही रखो। साथ ही अगर ये खतरनाक भी है तो इसे थोड़ी देर और डरा के रखकर थोड़ी देर वेट किया जा सकता है क्योंकि टाइम के साथ ये एक बार तो पहले ही मर चुका है, इसे दोबारा जो यान के हाथे पेला जाना था, तो जो यान इसे थोड़ा सा टाइम दे रहा था कि जा बच्चे जी ले अपनी जिंदगी। तभी ओल्ड एंसेस्टर तुरंत ही कहता है, ज्यादा खुश मत हो बच्चे, 18th ब्लड स्पिरिट फॉर्मेशन, क्या तुम्हें पता है इसे मैंने नाराज आत्माओं के साथ बनाया था और ये इतना पावरफुल है कि ये किसी की भी हड्डियों की गड्डी लगा सकता है। और इतना कहते हुए स्केलेटन एंसेस्टर के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और इसके बाद उनके
बोन थ्रोन के ऊपर हल्की पतली हवा के साथ 18 ब्लड कलर के बैनर्स दिखाई देते हैं और ये बैनर्स आसमान में उड़ जाते हैं और आसमान को सपोर्ट करने वाले पिलर की तरह लग रहे होते हैं। साथ ही जो बोन थ्रोन था सेंटर में, वो तुरंत ही एक काफी मिस्टीरियस सा हैंड प्रिंट बनाता है जिसके अंदर बैटल कोई और स्पिरिचुअल पावर लगातार क्रिएट की जा रही होती है। जिसके बाद स्केलेटन इंसेस्टर तुरंत ही कहता है, मेरी इस फॉर्मेशन के अंदर आज तक कोई भी जिंदा नहीं बचा, ना पहले कभी ऐसा हुआ ना बाद में कभी ऐसा होगा। साथ ही इस टाइम पे यह इंसेस्टर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। तभी जोन तुरंत ही कहता है, देखो चचा ज्यादा बौखलाओ मत, तुम एक बार पहले भी पेले जा चुके हो, अब तुम सिर्फ सोल बॉडी हो, मैं इस नोवेल का हीरो हूँ, मैं साइड कैरेक्टर से ज्यादा बात नहीं करता, तो शांति से जल्दी से पेले जाओ, मुझे और भी जरूरी काम है। लेकिन वास्तव में इस टाइम पे जो यान को इस फॉर्मेशन से थोड़ा सा स्ट्रेस फील हो रहा होता है। साथ ही ऊपर तक उठे हुए ये बैनर्स और झंडे ऐसा लग रहा होता है कि पूरी दुनिया को हिला कर रख देंगे और काफी मिस्टीरियस तरीके से ये साइन हो रहे होते हैं। और साथ ही इस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि जो स्पेस और अर्थ यहाँ दिख रहा है वो रियल स्पेस और अर्थ है ही नहीं, ये जैसे कोई एक अलग ही दुनिया हो, क्योंकि आसमान और जमीन दोनों का ही रंग ब्लड रेड होता है। तभी जॉन ध्यान से देखता है कि जो ये ब्लड बैनर होता है वो अनगिनत एंग्री सोल से बना हुआ था, जो कि एक दूसरे को खाने को दौड़ रही होती है, एक दूसरे से लड़ रही होती है, एक दूसरे को चीर फाड़ रही होती है। साथ ही हर कोई जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिए वो केवल एक घेरा बना सकते थे और अपने आसपास की नजर रख सकते थे एरिया पे। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है, ओल्ड एंसेस्टर इन एविल सोल्स की लाइफ पावर को सैक्रिफाइस करते हुए इस फॉर्मेशन को बनाना, ये तुम्हारे लिए काफी सम्मान की बात है कि मैं तुम्हारे सामने इसका यूज कर रहा हूँ, इसे एंजॉय करो। हाँ, इस चच्चा ने जोयान के लिए ओयो का रूम बुक किया है, जो जोयान जाके एंजॉय करे। साला मौत की फॉर्मेशन बना के बोल रहा है एंजॉय करो। कमेंट सेक्शन में चच्चा चूतिया है हैशटैग स्पैम हो जाना चाहिए, चाहे जैसे करो, 1 करो 100 करो 200 करो, लेकिन चच्चा चूतिया स्पैम कर देना। चलो आगे चलते हैं। साथ ही ये जो सोल बॉडीज होती है ये काफी यार नाराज हो रही होती है और एक दूसरे से निपट रही होती है। हालांकि यहाँ पे जो यान इस चीज को देखकर ज्यादा टेंशन में नहीं आता, वो केवल वेट कर रहा होता है अपने टाइम का, कि अपना टाइम आएगा तभी अपन अपनी पावर दिखाएगा। तभी पहला झंडा हिलता है और ब्लड डैगर आसमान से नीचे आता है सैक्रिफाइस लेने के लिए। साथ ही बोन एंसेस्टर या कि स्केलेटन एंसेस्टर ब्लड स्प्रेड फॉर्मेशन के अंदर गुस्से से चिल्ला रहा होता है, ढिचक्या ढिचक्या ढिचक्या। हालांकि इस टाइम पे जो ये डैगर था ये टूटते हुए तारे की तरह जो यान की तरफ शूट हो रहा होता है, लेकिन ये जोन के चट्टान जैसी फौलाद दिल को नहीं हिला सका और जोन अपने सूखी हुई स्पिरिचुअल पावर के साथ गड्ढा खोद के स्पिरिचुअल पावर निकालता है और कहता है, एंग्री येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर। हालांकि इस बार इसमें ज्यादा दम नहीं था, लेकिन ये तुरंत ही येलो स्प्रिंग सैंड रिवर से बोन बीटा का एक घूट मारते हुए अपनी पावर को बढ़ा लेता है और उस डैगर की तरफ बढ़ जाता है। हालांकि जो यान का ये येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर बढ़ते हुए सीधा ही उस गोल्डन डैगर से ब्लड रेड डैगर से टकराता है और कुछ टाइम की तनातनी के बाद वो डैगर वास्तव में जोन के येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर की धज्जियां उड़ा देता है और वो एंग्री येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर जो अनबीटेबल था यहाँ पे हार जाता है। जिसके बाद वो डैगर सीधा ही जो यान की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे जोन कहता है, क्यों, वास्तव में क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जोन के पास रिएक्ट करने का ज्यादा टाइम नहीं था क्योंकि वो जोन की तरफ ही आ चुका था। तभी जो जान चिल्लाते हुए कहता है, रुको मैं आ रहा हूँ, मैं हूँ ना, और वो तुरंत ही अपनी गोल्डन फिस्ट को कसते हुए जो यान की तरफ दौड़ पड़ता है और उसका गोल्डन पंच आसपास गोल्डन लेयर को क्रिएट करते हुए बड़े से चाकू को जोरदार टक्कर मारता है, टिचुक, और एक गोल्डन एनर्जी और ब्लड रेड लाइट दोनों पंच और डैगर से रिलीज होती है और आपस में फाइट करते हुए एक धमाके की आवाज आती है, टिचुक, और एक पल में तेज लाइट और स्कारलेट रेड लाइट दोनों ही गायब हो जाती है और जियो जान लगातार 7 कदम तक पीछे जाता है। दूसरी तरफ वो डैगर भी टूटकर हवा में गायब हो जाता है और वापस से इविल सोल्स में बदलकर फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है। तभी वो ओल्ड स्केलेटन इंसेस्टर ये देखकर कहता है, हा 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 हा, ये तो बस अभी स्टार्टिंग है, आगे आगे देखो होता है क्या। तभी जियो जान चिल्लाते हुए कहता है, ब्लडी इडियट, चूड़ी पहन के अंदर कहाँ छिपा बैठा है, दम है तो मेरे सामने आकर लड़। इस टाइम पे तो बंदा गुस्से में बौखला गया होता है। तभी वो स्केलेटन इंसेस्टर कहता है, यंग मैन, भले ही तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर काफी अच्छी हो, फिर भी उस गुस्से से छुटकारा पाना तुम्हारी केवल एक सपने जैसा है, जिसे मैंने इतने सालों तक जमे हुए इविल ब्लड के साथ पाया है। तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम चुपचाप मर क्यों नहीं जाते, ये काफी आसान मौत है। तभी जोयान को ऐसे गालियां देते हुए देखकर जेनी नाराज हो जाती है और तुरंत ही कहती है, तुम वास्तव में ईगोफुल हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे छू भी सकते हो। और इसके बाद जेनी जोयान की तरफ टेंशन में आकर देखती है
तो उसका चेहरा नीला पीला पड़ जाता है क्योंकि वो जियान की वीकनेस को देख सकती थी, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकती थी। हालांकि जेनी की नजरों को फील करते हुए जो यान अपने स्माइल सड़े से चेहरे पर स्माइल ले आता है। हाँ राइटर, तू यहाँ पे भी रोमांस घुसेड दे, एक दो किस करा दे, हनीमून पैकेज बुक करा दे, वो लोग छुट्टी पे तो आए हैं। सलग फाइट के बीच में जब कोई रोमांस घुसेड़े तो मुझे बुरा लगता है। फाइट के एंड में रोमांस अच्छा लगता है या कि स्टार्टिंग में अच्छा लगता है कि जान अब मैं लड़ने जा रहा हूँ, हो सकता है मैं लौट के ही ना आऊँ, तो चलो रोमांस करते हैं, या कि फिर फाइट के एंड के बाद कोई आए, जान मैं इतने सालों बाद लड़के आया हूँ, मैं लाइट फाइट जीत गया, अब चलो रोमांस करते हैं। सलग फाइट के बीच में कौन रोमांस करता है, फ्रस्ट्रेटेड कर देता है राइटर कभी कभी। इसके बाद जान गहरी सोच में पड़ जाता है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर डेड हो चुकी है तो वो ब्लड स्प्रेड फॉर्मेशन को कैसे तोड़ सकता है। लेकिन जान ये सोच ही रहा था कि तभी दूसरे डंडे में लगा हुआ झंडा हिल जाता है और उससे एक ब्लड की ड्रॉप निकलती है और यह देखते हुए एंसेस्टर स्माइल करता है, जिसके बाद 18 के 18 खून के झंडे हिलने लगते हैं और 18 ब्लड ड्रॉप बंदूक की तरह नीचे की तरफ साइन होने लगती है। और इसी टाइम पर इन ब्लड ड्रॉप के बीच में अनगिनत एंग्री इविल सोल्स क्रिएट होने लगती हैं, जो काफी गुस्से से चीख और चिल्ला रही होती हैं, जिससे किसी भी इंसान को यहाँ पे बिल्कुल नरक का अनुभव हो सकता था। हालांकि तभी ये 18 की 18 ब्लड ड्रॉप 18 स्पेयर्स में चेंज होकर सीधा ही जो यान की तरफ और बाकी सभी की तरफ चार्ज हो जाती हैं, साथ ही जॉन के कपड़े में छेद कर देती हैं, जिससे जॉन काफी हैरान होता है कि तो वास्तव में उसकी चेस्ट की तरफ आ रही है, इसलिए जॉन अलर्ट रहने को कहता है। तभी ले साओलोंग और जीइंग जो काफी लॉन्ग टाइम से तैयार थे, उन्हें भी उम्मीद नहीं थी वास्तव में ब्लड ड्रॉप इतनी ज्यादा फास्ट होंगी, इसलिए वो तुरंत ही अपने डबल ब्लेड का यूज करते हुए काफी सारी ब्लड ड्रॉप्स को रोकते हैं। हालांकि यहाँ पे 18 प्लस ब्लड ड्रॉप्स थी जो कि स्पेयर में चेंज हो चुकी थी और ये एक साथ ले साओलोंग और जीइंग पर अटैक करती हैं, जिससे ले साओलोंग और जीइंग के माथे से बड़े बड़े पसीने की बूंदें गिरने लगती हैं। उनके चेहरे पर पीले रंग के इम्प्रेशन होते हैं और वो अपने वेपन्स को कसकर पकड़े होते हैं, हाथों पे नसें निकल आई थी, जिसे देखने पे साफ पता चल रहा था कि वो बहुत जल्दी ही हार जाएंगे, इसलिए बाकी सभी लोग भी अपने अपने हथियारों को तैयार कर लेते हैं। और इसी टाइम पे बूम की एक आवाज आती है और जोरदार ब्लास्ट के साथ वो दोनों लोग अपनी पावरफुल ओरिजन कुई को शो करने की पूरी कोशिश करते हैं और लास्ट ब्लड ड्रॉप को भी खत्म करने की कोशिश करते हैं और आखिरकार वो इसमें सक्सेसफुल भी होते हैं, जिसके बाद ले साओलोंग और जीइंग दोनों ही एक साथ रिलैक्स फील करते हैं। साथ ही इस टाइम पे उनकी पूरी बॉडी सुन्न हो गई होती है और पैरों की उंगलियां वीक हो गई थी, जिससे वो जमीन पे घुटने टेक कर बैठ जाते हैं और सभी तुरंत ही उन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए आसपास आ जाते हैं। तभी तीसरे डंडे पे लगे हुए झंडे में हल्की सी मूवमेंट होती है और ब्लड स्रॉड हवा में उड़ता हुआ उनकी तरफ आने लगता है और ये 18 ब्लड स्रॉड को अपनी तरफ आता हुआ देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं और सोचते हैं कि क्या ये 18 टाइम होने वाला है, ऐसे में तो हम 18 प्लस होने के बावजूद भी पेल दिए जाएंगे। साथ ही साथ ये स्रॉड भी काफी पावरफुल लग रही होती हैं। हालांकि तभी इन दोनों की तरफ बढ़ते हुए ये स्रॉड का जो ग्रुप होता है वो दो ग्रुप में डिवाइड हो जाता है, जहाँ एक ग्रुप जियो जान और जियो यान की तरफ बढ़ रहा होता है, जहाँ जियो यान के माथे से तो बड़े बड़े पसीने की बूंदें आने लगती हैं और वो अपने बोन बिंग्स को एक्टिवेट कर देता है और उसके हाथ में आता है उसका हैवी जॉन रूलर, जिसकी टक्कर के साथ ही जॉन अपना बैलेंस खोते हुए काफी दूर तक पीछे की तरफ जाता है। साथ ही इस टाइम पे जॉन को लग रहा था कि वो शायद अपनी टीम की वीकनेस बन चुका है। साथ ही ये भी कहा जा सकता था कि ये जो स्केलेटन सिस्टर है काफी चालाक इंसान है, जो कुछ ही टाइम के अंदर हर किसी की वीकनेस को देख सकता था। हालांकि जो यान इस टीम का ओरिजिन था, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल पावर स्ट्रॉन्ग थी, जबकि उसकी रियल पावर 3 स्टार डाउडी लेवल के लेट स्टेज पर थी। दूसरी तरफ जियो जान काफी ज्यादा बहादुर था और साथ ही साथ उसके पास स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी वैरियर था, यानी डिफेंस टेक्निक उसकी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन अगर उसकी बॉडी अनबैलेंस है तो वो इसे एक्टिवेट नहीं कर सकता था, जो कि साफ तौर पर उसकी वीकनेस थी। और इस टाइम पे इस स्केलेटन किंग को अच्छे से पता था कि अगर ये दोनों मारे जाते हैं तो बाकी लोगों को मारना काफी आसान होगा, जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है तुम मैं भी देखता हूँ तुम कितने देर रुक सकते हो। और उसके कहते ही उसकी जो ब्लड स्रॉड होती है वो बिल्कुल एक नेट की तरह जियो यान और जियो जान की तरफ बढ़ जाती है, जो देखकर जियो जान गुस्से से चिल्लाते हुए गोल्डन लाइट उसकी पूरी बॉडी को ढकने लगती है और एक आर्मर क्रिएट हो जाता है। हालांकि उसके बाद जैसे ही ब्लड स्रॉड उसके उससे डिफेंस बैरियर से टकराती है तो काफी देर तक ये टक्कर चलती है, जिसमें जियो जान को काफी पेन हो रहा होता है, लेकिन इसके बाद वो स्रॉड और उसका बैरियर दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और जियो जान की बॉडी में काफी सारे खून के निशान बने हुए होते हैं, जिससे ब्लड निकल रहा होता है, जिसके बाद जियो जान तुरंत ही कुछ मेडिसिनल पिल को निकाल कर उन्हें स्वालो कर लेता है और क्रॉस लेग करके बैठ जाता है। हालांकि जियो जान ने अभी स्केलेटन एंसेस्टर के केवल 2 ही राउंड के अटैक को झेला था, लेकिन उसकी जो ज्यादातर फाइटिंग हुई थी उसे उसने यूज कर लिया होता है और काफी इंजर्ड भी हो गया था वो। दूसरा जियो काफी बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाते हुए पीछे हटता है।
लेकिन तभी चौथा फ्लैग मूवमेंट करता है और तुरंत ही एक ब्लड रेड हेलबर्ट बादलों को छेदता हुआ बाहर आता है। साथ ही हेलबर्ट को काफी खतरनाक वेपन भी माना जाता था। साथ ही इस टाइम पे जैसे ही हेलबर्ट छोड़ा गया तो उसके ब्लेड पर बने हुए दो ड्रैगन पैटर्न अजीब तरीके से साइन होते हैं, जैसे कि वो आसमान में अपना सिर उठाकर सामने वाले बंदे के ऊपर अटैक करने वाले थे। साथ ही से रिलीज होने वाली कोल्ड ऑरे के कारण हर किसी को यहाँ पे घुटन का एहसास हो रहा था, मानो जैसे उनकी सोल जमने वाली हो। साथ ही ऐसा लग रहा होता है जैसे टाइम कुछ टाइम के लिए रुक गया हो। तो तब जो यान भी काफी हैरान होता है, क्योंकि जो ये ब्लड हेलबर्ट था वो काफी स्टेबल स्पीड के साथ घूम रहा था, लेकिन इससे निकलने वाली जो पावर थी वो काफी खतरनाक थी। इस टाइम पे जैनी भी जो यान की तरफ देखती है, साथ ही वो काफी थकी हुई होती है। साथ ही वो बाकी लोगों की तरफ देखती है जो कि पहले से ही काफी प्रेशर के कारण सप्रेस हो चुके होते हैं और उससे भी ज्यादा थके हुए होते हैं। साथ ही तीन वैनर्स के साथ फाइट करते हुए जो जान ले सालोंग और जींग वो तीनों के तीनों लोग काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। दूसरी तरफ जो यान अभी भी ठीक था, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल पावर डेड हो गई थी और इस टाइम पे जैनी को पता था कि जुआन भी ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगा, जिसके कारण जैनी तुरंत ही हाथ से एक सील को परफॉर्म करती है और हवा में तेज रफ्तार के साथ उसकी पूरी बॉडी में बैटल कोई क्रिएट होने लगती है, जिसके बाद एक पावरफुल एनर्जी उसकी उंगलियों से होता हुआ बाहर निकलने लगता है, जो कि अनगिनत ग्रीन वाइंस में चेंज होकर कई मीटर लंबी हो जाती है, जिसके बाद ये बाइंस हवा में ऊपर उठकर तेजी से आसपास की ब्लड एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगती है और इसे न्यूट्रेट के तौर पर यूज करने लगती हैं। साथ ही इस टाइम पे इसने ब्लड हेलबर्ट को भी कवर कर लिया होता है। दूसरी तरफ हेलबर्ट इस टाइम पे इस ग्रीन बाइंस से आजाद होने के लिए पूरी मेहनत कर रहा होता है और साथ ही साथ इन ग्रीन बाइंस को तोड़ भी रहा होता है, लेकिन ये ग्रीन बाइंस एक बार फिर से वापस से रिकवर हो रही होती है। साथ ही लाइफ पावर और ब्लड एनर्जी के बीच के टकराव ने स्पेस के अंदर प्रेशर को कम कर दिया होता है, जिससे हर कोई आखिरकार दबाव फ्री फील करता है। दूसरा जो जान जमीन में से तुरंत ही अपनी मुट्ठियों को बांधते हुए बाहर आता है, साथ ही पावरफुल एनर्जी उसके हाथ में इंजेक्ट करने लगता है और साथ ही साथ एक पावरफुल पंच हवा में हेलबर्ट की तरफ चार्ज कर देता है। हालांकि जो ये ब्लड हेलबर्ट था ये काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन जैनी की बाइंस के कारण इसकी पहले ही काफी सारी पावर बेल्ट हो चुकी होती है और जो जान के पंच के बाद एक बूम की आवाज के साथ ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही जो ये मिडिल एयर थी यहाँ पे आयरन सॉर्ड पंचेस के टकराने की आवाज आ रही होती है। हालांकि यहाँ पे किसी को भी नहीं पता था कि जो जान ने कितने पंच मारे थे, लेकिन वास्तव में उसने इस हेलबर्ट को इस हद तक पीटा था कि उसके अंदर बड़े बड़े क्रैक्स बन गए होते हैं और डिस्ट्रॉय हो गया होता है, लेकिन इस चक्कर में उसने अपनी काफी ज्यादा एनर्जी को यूज कर लिया था, जिससे बेचारा खड़ा होने तक में कैपेबल नहीं था और बड़ी मुश्किल से अपनी बॉडी को बैलेंस कर रहा होता है। तभी जो यान तुरंत ही कहता है, ये अभी भी फोर्थ बैनर है, फिर भी ये इतना ज्यादा पावरफुल है तो आगे के बैनर्स कितने पावरफुल होंगे। साथ ही जॉन ने देखा था कि यहाँ पे जो जान बार बार इंजर्ड हो रहा था और बाकी के लोग भी इंजर्ड थे। तभी स्केलेटन एंसेस्टर कहता है, जो लोग इस फॉर्मेशन में फंसे वास्तव में बुरे नहीं हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि ब्लड स्प्रेड फॉर्मेशन के अंदर 18 लेयर है और तुमने बिल्कुल सही कहा, यह केवल चौथी लेयर थी, आगे की स्किल्स इससे भी खतरनाक होंगी। ये देखकर जियो जान तुरंत ही चिल्लाते हुए कहता है, बास्टर्ड, अगर तुम में हिम्मत है तो बाहर आओ और मेरे सामने फाइट करो। इस टाइम पे तो जींग भी गुस्से में होती है। इस टाइम पे वास्तव में उनमें से किसी ने भी इस एंसेस्टर को अब तक नहीं देखा था, बस इसकी आवाज ही उन्हें सुनाई दे रही होती है। तभी वो एंसेस्टर तुरंत ही कहता है, मुझे चैलेंज करने की क्वालिफिकेशन तुम लोगों के पास नहीं है, अगर तुम मेरे इन 18 बैनर्स को क्रॉस कर सकते हो तो हम बात जरूर करेंगे। जो सुनकर जींग तुरंत ही हंसते हुए कहती है, तो ये बात है, मुझे लगता है कि तुम सिर्फ सेल में छुपे हुए एक टर्टल हो। हालांकि वो यहाँ पे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पांचवा फ्लैग साइन होता है और वहां से एक ब्लड एक्स बाहर आती है और उस एक्स के अपीयर होते ही सभी लोगों की बॉडी में काफी तेज फ्लक्चुएशन होने लगता है, साथ ही उन्हें काफी पेन भी फील हो रहा होता है, जिससे सभी लोग तुरंत ही कहते हैं, ये केवल पांचवा फ्लैग है लेकिन वास्तव में ये इतना खतरनाक है। हालांकि तभी उस ब्लड एक्स को जो यान की तरफ बढ़ता हुआ देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं और इस टाइम पे वो जॉन को किसी भी हालत में बचाना चाहते थे, इसलिए ले सालोंग और जींग जो यान के सामने खड़े हो जाते हैं उस अटैक को अपने ऊपर लेने के लिए। जस्ट उसी टाइम पे फेंग फेंग और नान एर्मिंग आगे बढ़ जाते हैं उस एक्स पे अटैक करने के लिए। दूसरा जॉन पीछे शांत खड़ा हुआ होता है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, ऐसा लग रहा होता है कि जैसे इस चीज से उसका कोई कनेक्शन ही ना हो। साथ ही उसके दिमाग में काफी सारी चीजें और काफी सारी हरकतें चल रही होती हैं। हालांकि तभी फेंग फेंग और नान एर्मिंग उस एक्स से जाकर टकरा जाते हैं, जिससे वो एक्स तो डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ जो नान एर्मिंग और फेंग फेंग होते हैं वो दोनों भी डैमेज हो गए थे और काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। हालांकि सिक्स फ्लैग के साथ ब्लड एक्स आसमान में घूम रही थी, लेकिन सातवें फ्लैग के साथ एक ब्लड हुक वहां पे अपीयर होता है
लेकिन सभी के धीरे धीरे अटैकों के साथ वो पावर को रिकवर करने और फिर से अटैक करने के साथ वो इन सभी अटैकों को डिस्ट्रॉय करते जा रहे होते हैं। साथ ही वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी होते जा रहे होते हैं और इसी तरीके से नोवा फ्लैग मूवमेंट करता है। साथ ही इस टाइम तक जो एक फॉर्मेशन थी वो भी काफी ज्यादा सिकुड़ गई होती है और अंदर का स्पेस काफी कम हो गया होता है, जिसके बाद सभी लोग अपनी अपनी पावर के साथ एक कंबाइन अटैक करते हैं और तुरंत ही एक ब्लड वीव को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। साथ इस टाइम पे उन लोगों ने फील कर लिया था कि जो ये फॉर्मेशन है उसका नॉर्मल लेवल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इस टाइम पे जो जान का चेहरा काफी उदास होता है, साथ ही वो पसीने से तर बतर होता है। दूसरी तरफ इसी टाइम पे जॉन की आंखें अचानक से साइन होती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। साथ ही जॉन के तरीके पर उसे सिर्फ तीन चीजों पर भरोसा था, जिसमें थी उसकी स्काई फायर, स्पिरिचुअल पावर और बोन बिंग। हालांकि जो बोन बिंग थे वो स्पिरिट बॉडी को कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकते थे, जिसके बाद जोयान ने अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज कर लिया था, जहां पे जॉन ने येलो स्पिन डिवाइन एंगर का यूज किया था, लेकिन उसमें वो अनसक्सेसफुल हो गया और उससे ज्यादा रिजल्ट उसे नहीं मिले। तो अब जोयान के पास उसकी स्काई फायर और बोन बिंग्स बचे हुए थे और साथ ही साथ उसकी ब्लड स्पिरिट आर्ट। जोयान को पता था ब्लड स्पिरिट आर्ट स्पिरिचुअल पावर के अटैक से बचा सकती है और उसकी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा सकती है। दूसरी तरफ स्काई फायर वो इविल सोल्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है और सोल बॉडी स्पेस का काफी खतरनाक इफेक्ट पड़ता है। तभी जॉन कहता है, क्या होगा अगर ब्लड स्पिरिट आर्ट को स्काई फायर के साथ एक्टिवेट किया जाए और इसके साथ मर्ज किया जाए। और ये सोचते हुए जॉन तुरंत ही अपने हैवी जॉन रूलर को बाहर निकालता है। तभी आसमान में एक बार फिर से ब्लड वीव अपीयर होता है, जो कि सीधा ही तेज आवाज के साथ जोयान की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन तभी जोयान अपने पैरों से बाई तरफ की तरफ मूवमेंट करते हुए काफी स्पीड के साथ बोन विंग्स को लहराता और एक तेज लाइट में चेंज होता हुआ आगे की तरफ बढ़ जाता है। साथ ही स्टैम्प जोयान के हैवी जॉन रूलर के अंदर ग्रे ब्लू कलर की फ्लेम अपीयर होती है, जो कि बिना किसी फैंसी चाल के एक नॉर्मल स्लैश अटैक की तरह आगे बढ़ती है। हालांकि जैसे ही रूलर की शैडो उस अटैक से जाकर टकराती है तो उनके टक्कर के साथ एक पावरफुल बैकलेस फोर्स जनरेट होता है। जोयान काफी सदमे और दबाव में होता है और कुछ कदम तक पीछे हट जाता है। साथ ही जॉन के गले तक ब्लड आ गया होता है। साथ ही जोयान की स्काई फायर ब्लू ग्ले स्पाई फायर, जो कि जोयान के ब्लड स्प्रेड आर्ट के साथ जुड़ी हुई होती है, वो जैसे ही ब्लड व्यूव को टच करती है उसकी ब्लड लाइन तुरंत ही एक्टिवेट हो जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे उसके अंदर मिट्टी का तेल डाल दिया गया हो और आग की लपटे व्हील के ऊपर चारों तरफ लपट जाती है और उसे जलाकर राख में बदल देती है। साथ ही उस ब्लड व्यूव के अंदर समाई हुई अनगिनत नाराज आत्माएं वो भी तेजी से चलने लगती है। ब्लड व्यूव मतलब खूनी चाबुक। हालांकि वो भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन अजी घंटा स्काई फायर के सामने बड़े बड़े भी नहीं भाग पाए, ये तो मरी हुई सोल्स थी। हालांकि इसके डिस्ट्रॉय होते ही आसपास के जो 18 झंडे होते हैं वो हल्के हल्के ग्लो हो रहे होते हैं और लहरा रहे होते हैं। साथ ही वो वेट कर रहे होते हैं इविल सोल्स और ब्लड एनर्जी का, जिसे वापस से फॉर्मेशन के अंदर इंजेक्ट किया जाए तो नेक्स्ट झंडा मूवमेंट करे। लेकिन अजी घंटा जोयान ने तो उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद जॉन अपनी काली काली आंखों में कोल्ड किलिंग इंटेंट ऑरा लेकर आगे बढ़ने लगता है और उसके हैवी जॉन रूलर में उसकी स्काई फायर अपीयर होती है, जिसके बाद जोयान एक झंडे के सामने अपीयर होता है और अपने हैवी जॉन रूलर को रहलाते हुए उस पे पेल देता है, जिससे अचानक वहां से अपीयर होने वाला ब्लड ऑरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही ब्लड ऑरे के डिस्ट्रॉय होते ही जो यह फॉर्मेशन होती है यह भी काफी ज्यादा एल्यूजनरी हो जाती है। ये देखकर तो स्केलेटन एंसेस्टर थोड़ा सा नाराज हो जाता है और तुरंत इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए 10वें फ्लैग्स को एक्टिवेट करता है, जिससे एक ब्लड हैमर निकल कर आता है। साथ ही अनगिनत चैंटिंग मंत्र उस स्पेयर हैमर के चारों तरफ घूम रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो जॉन की स्काई फायर का सामना करता है तो कुछ देर की टक्कर के बाद वो भी धीरे धीरे एल्यूजनरी होते हुए डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि अब तक इस फॉर्मेशन के अंदर ब्लड स्पिरिट एनर्जी और साथ ही साथ इविल सोल्स की जो क्वांटिटी थी वो काफी कम हो गई थी। साथ ही जॉन अपने ग्रे ब्लू स्काई फायर के ऐसे इफेक्ट को देखकर भी काफी सेटिस्फाइड होता है, क्योंकि उसने भी वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि इसका ऐसा इफेक्ट हो सकता है। साथ ही जॉन ने फील कर लिया था कि अब ब्लड स्पिरिट फॉर्मेशन की जो फाउंडेशन है वो स्टेबल नहीं रह गई है, जिसका मतलब था यही अच्छा टाइम है इसे डिस्ट्रॉय कर देने का, क्योंकि वो स्केलेटन इंसेस्टर को स्ट्रॉन्ग होने का ज्यादा टाइम नहीं देना चाहता था। जिसके बाद जॉन की ब्लू ग्रे फ्लेम वहाँ पे अपेयर होती है, जो काफी शांत लग रही थी, लेकिन आते ही आसपास का टेम्परेचर बढ़ जाता है। दूसरा जोयान के सारे के साथ फेंग फेंग भी तुरंत ही समझ जाता है, लेकिन तभी 11वां झंडा हिलता है और स्केलेटन एम्परर तुरंत ही कहता है ब्लड स्काई डिस्ट्रैक्शन। हालांकि उसकी आवाज तो तेज थी, लेकिन जोयान की बेकाबू स्काई फायर इस टाइम पे उसने एंसेस्टर की भी माँ की ममता निकाल ली होती है और काफी बुरी तरीके से प्रेशर में डाला हुआ होता है। हालांकि तभी वहाँ एक ब्लड स्पेयर अपेयर होता है
जो जियान की सीधा ही स्काई फायर से जाकर टकराता है। लेकिन अजी घंटा, स्काई फायर कहती है छी 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 मुझसे दूर रहो गंदी चीज, और उसे भी मेल्ट करके गायब कर देती है। दूसरा बाकी लोगों के ऊपर भी प्रेशर कम हो गया होता है और वो लोग भी काफी ज्यादा शांत दिखाई देते हैं, जहाँ पे जियान दहाड़ते हुए हंसता है। हालांकि ब्लड स्पेयर के डिस्ट्रॉय होते ही और 11वें झंडे के डिस्ट्रॉय होते ही फॉर्मेशन का कलर और भी डीप हो जाता है। तो दूसरा जियान की इस ब्लू ग्रे फ्लेम वो और भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है और उनकी पावर भड़कने लगती है। लेकिन तभी जियान उसे ठीक होने का और भी कम मौका देते हुए 3-स्टेप हैवी जियान रूलर को यूज करता है, जिससे जियान के रूलर की हजारों इमेजेस क्रिएट होते हुए चारों तरफ अटैक करती है और इस फॉर्मेशन के फाउंडेशन को हिलाने लगती है। साथ ही बार बार की टक्करों और इंजर्ड होने के कारण अब ये फॉर्मेशन और देर तक स्टेबल नहीं रह सकती थी। दूसरा भी इसी टाइम का फायदा उठाते हुए हर कोई इन ब्लड फ्लेक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ जाता है और यहाँ से सारे की सारी फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय होती है और ब्लड मिस्ट गायब हो जाती है, जिसके बाद एक बार फिर से वो सभी लोग बंजर रेगिस्तान के सामने अपीयर होते हैं, जहाँ बोन का एक सिंहासन होता है यानी थ्रोन, जो अभी अभी दूरी पर होता है, और उस बोन थ्रोन के ऊपर एक इल्यूजनरी फिगर बैठी हुई होती है। साथ ही उसका जो ईगो और नाराजगी होती है वो काफी ज्यादा होती है और वो काफी बुरी नजर के साथ जियान के ग्रुप की तरफ देख रहा होता है। साथ ही उसका जो थ्रोन था, बोन का थ्रोन, वो कांप रहा होता है और उसके हाथ भी कांप रहे होते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे ब्लड स्पेड फॉर्मेशन के डिस्ट्रॉय होते ही जो स्केलेटन एंसेस्टर था उसे भी काफी नुकसान हुआ था। दूसरा, अब जियान अपने अपोनेंट को ज्यादा टाइम नहीं देना चाहता था, वो जितना जल्दी हो सके इसे मारना चाहता था। इस टाइम पे जो ये स्केलेटन एंसेस्टर होता है वो भी काफी उदास होता है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी फॉर्मेशन भी ज्यादा कुछ नहीं उखाड़ पाई और साथ ही साथ उसकी बोन आर्मी भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी यहाँ पे। और इसी टाइम पे जियान और लेसाओ लोंग तुरंत ही इस स्केलेटन के बीच में घुसते हुए उन्हें तुरंत ही मारकर जमीन में गिरा देते हैं, क्योंकि इनके पास अब तो पावर थी नहीं। दूसरा, लेसाओ लोंग के साथ ही साथ जेनी और बाकी सभी लोग भी आ गए होते हैं और हर जगह केवल हड्डियां ही हड्डियां बिखरी हुई होती हैं। साथ ही जियान और लेसाओ लोंग को अपनी तरफ आता हुआ देखकर इस स्केलेटन एंसेस्टर की तो आंखें ही तेज कोल्ड ग्लो करने लगती हैं और उसकी स्पिरिचुअल पावर तेजी से कंडेंस होने लगती है, जैसे अजीब ही रुइन स्पेस में क्रिएट होने लगते हैं और उससे एक ऐसी एनर्जी बाहर निकल रही होती है जो हवा को भी क्रैक कर रही होती है, जो देखकर जियान तुरंत ही कहता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, काफी खतरनाक है, अलर्ट रहो। हालांकि जियान लेसालों को ये ध्यान दिलाने ही वाला था कि तभी मोस्ट कमिटेड चीज, जिसके बारे में हमारे पास काफी सारे कमेंट आए थे, यूजो मिंगलिन, जो यान की डेंटियान में जो चुपचाप कई दिनों से सो रहा था, अचानक से कांपने लगता है और एक पावरफुल पावर के साथ जबरदस्ती बाहर निकलता है। और इस टाइम पे स्पिरिट स्केलेटन एंसेस्टर अपने एक्शन को कंप्लीट करने ही वाला था और इनकी लंकल लगाने ही वाला था, वो अचानक से रुक जाता है। साथ ही उसकी जो वेटल कुई की कंटिन्यूस स्विंग पावर होती है वो उसे भी खो देता है और बीच एयर में ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। साथ ही स्केलेटन एंसेस्टर का चेहरा पीला पड़ जाता है और वो इंटरेस्टेड तरीके से अपने सामने वाले बंदे को देखता है तो वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। साथ ही वो जियान के ऊपर दोबारा अटैक करने की हिम्मत भी नहीं करता। दूसरा, इस टाइम पे ये इतना जल्दी हो गया था कि जियान के पास सोचने का टाइम ही नहीं था कि यूजु मिंगलिन इस टाइम पे मूवमेंट क्यों कर रहा था, जब वो पहले से ही स्केलेटन एंसेस्टर के सामने था और पेला जाने वाला था। हालांकि जियान के हैवी जियान रूलर के सामने लेसाओ लोंग के डबल स्पाइक ब्लेड्स हल्के होने के कारण वो काफी स्पीड से आगे आ जाता है और अपने डबल ब्लेड्स को स्केलेटन एंसेस्टर की सोल बॉडी के छाती में घुसेड़ते हुए उसके बोन सिंहासन तक में घुसेड़ देता है, जिसके रिजल्ट के कारण ये जो बोन थ्रोन होता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरा, जो यान का हैवी जियान रूलर भी पीछे पीछे पटक जाता है, जिसके स्लैश अटैक की स्काई फायर के सामने बेचारे की जो इविल सोल्स होती है बॉडी के अंदर वो बुरी तरीके से जलने लगती हैं। और इस सक्सेसफुल अटैक के सामने जियान और लेसाओ लोंग वो थोड़ा झिलमिला रहे होते हैं, साथ ही वो एक लॉन्ग डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं स्केलेटन एंसेस्टर के साथ, ताकि ये ना हमें पेल पाए ना हमारे अटैकों को झेल पाए। दूसरा, स्केलेटन एम्परर ने तो अपना कंट्रोल खो दिया होता है और उसकी बॉडी एक एक करके ढह रही होती है, साथ ही बाकी सभी लोग हैरान होकर उसे देख रहे होते हैं, जिसके बाद सभी लोग रिलैक्स फील करते हुए जियान की तरफ आ जाते हैं। तभी स्केलेटन एम्परर अपने इल्यूजनरी फिंगर को जियान की तरफ इशारा करता है और उसकी बॉडी कांप रही होती है काफी गुस्से में, वो होता है तो काफी डरा हुआ भी होता है तो साथ ही साथ वो काफी ज्यादा हैरान भी होता है। अबे क्या क्या है ये, डरा हुआ है कि हैरान है कि सरप्राइज है कि शौक है। हालांकि तभी जियान अपने सामने की सिचुएशन देखता है तो उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि ये बंदा कहना क्या चाहता था, जिसके बाद जियान अंदाजा लगाते हुए कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि ये मेरी कैओस होली फ्लेम और पिल फायर के कारण हो, कि इसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा हो। हालांकि जियान काफी ज्यादा सोच विचार करता है, लेकिन जिसके बाद जियान रिजल्ट में आता है कि इसे माफ नहीं किया जा सकता, वरना पता चले ये अपनी पावर को पाने के बाद उन्हें ही पेल दे। इसलिए जियान तुरंत ही अपनी पूरी फ्लेमों को कंबाइन करते हुए एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट करने लगता है
जो कि अब हमें धीरे धीरे घूमते हुए प्रपोजल के गिफ्ट की तरह एस्केलेटन एम्परर के सामने पहुंचता है। हालांकि जोयान के एंग्री उड़ा लोटस के सामने बेचारा इंसेस्टर अपने रियल टाइम पे भी इसे नहीं रोक पाता, तो इस टाइम पे तो बेचारा सोल बॉडी पे था, तो इसकी तो बात ही दूर की थी। इसीलिए वो काफी ज्यादा हेल्पलेस तरीके से उदास होते हुए जोर जोर से हंसने लगता है, जिसके बाद एक आवाज आती है। घोस्ट सोल और स्प्रेड सील तीन अजीब चीजों में से एक है। वास्तव में गॉड कितनी ज्यादा अजीब चीजें दिखाते हैं। हालांकि इस टाइम पे सभी लोग थोड़ा सा एम्बेरेस होते हैं कि वास्तव में इतने पावरफुल अटैक के साथ ये एंसेस्टर पिल दिया गया था, जिसके बाद धुआं गायब होता है और सभी कोई देख सकते थे कि स्केलेटन एंसेस्टर गायब हो गया था। कोई धुआं नहीं, कोई छाया नहीं, साथ ही हड्डियों का जो वो बोन थ्रोन था वो भी चारों तरफ बिखरा हुआ होता है, लेकिन उसके बीच में एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एल्यूजनरी बॉडी खड़ी हुई होती है। साथ ही इस टाइम पे ये काफी खतरनाक लग रही होती है। साथ ही यहाँ की सभी एंग्री इविल सोल्स उसके सामने उसे ग्रीट करती है, और साथ ही साथ ये एल्यूजनरी सोल बिल्कुल स्केलेटन एंसेस्टर की तरह लग रही होती है। तभी ले सावलोंग तुरंत ही हैरान होते हुए कहते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी रियल बॉडी ये हो? दोस्तों जो यान भी काफी हैरान होता है और काफी खुश भी, क्योंकि जॉन ने इसे एक नजर में पहचान लिया था और ये था एक घोस्ट। हालांकि इसे याद करते ही जॉन थोड़ा सा और हैरान हो जाता है कि क्या ये वास्तव में घोस्ट है, क्योंकि इस एल्यूजन में आने के बाद जो यान यहाँ से केवल स्प्रिट सील मॉस को इकट्ठा करना चाहता था और स्प्रिट सील प्राप्त करने की उसे उम्मीद थी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे तो स्प्रिट सील मिली भी नहीं, लेकिन एक रेग 16 की स्पिरिचुअल पिल फायर मिल गई और एक और घोस्ट मिल गया, मतलब एक और घोस्ट को उसने देख लिया जो कि तीन अजीब चीजों में से एक था। और अगर इस जगह में वास्तव में स्काई फायर है, यह घोस्ट है और स्प्रिट सील है, तो ये सबसे बड़ी हैरानगी थी कि एक ही टाइम पे ये तीनों चीजें एक ही जगह पर थी। तभी ओल्ड जान कहते हैं, उड़ी बाबा वास्तव में मुझसे गलती हो गई, इस जगह पर तीनों चीजें हैं, छोटे साथी तेरी तो निकल पड़ी। इस टाइम पे ओल्ड जान को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करें, इस बंदे की किस्मत इतनी लकी कैसे हो सकती है। इसीलिए वो तुरंत ही कहते हैं, बेटा तूने इस बार तो बहुत पैसा कमाया, तुम्हें एक साथ तीन की तीनों चीजें मिल गईं, मतलब तीनों तरह की चीजें मिल सकती हैं। क्या तू सच में इंसान है? कहे तू कोई गॉड और तो नहीं? तेरे पास इतना अनबीटेबल लक कैसे हो सकता है? हालांकि ओल्ड जान एक्साइटेड थे, लेकिन वो काफी रिलैक्स भी थे और काफी खुश भी थे कि उसके ठरकी को ऐसी चीजें मिली। साथियों ने उम्मीद नहीं थी 3-स्टार डाउडी की पावर रखने वाला बंदा 6-स्टार की पावर रखने वाली तीन अजीब चीजों से मिला हुआ है, इसे केवल लक माना जा सकता है। जिसके बाद ओल्ड जान कहते हैं, गोस्ट सोल को ऑब्जर्व करने से पहले तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम उन्हें समझाओगे कैसे। जो सुनकर तो जो यान हैरान रह जाता है, उसे पता ही नहीं था कि गोस्ट सोल को ऑब्जॉर्व कैसे करते हैं। हालांकि उसे पता था कि वो ऑब्जॉर्व कर सकता है क्योंकि उसके पास डेमन ब्लड था, लेकिन जो यान आखिरकार अभी भी ह्यूमन ट्राइब से था। और ओल्ड जान को भी ये चीज अचानक से याद आती है और इसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं, तुम्हें इसे ऑब्जॉर्व करना है, क्या तुम अभी भी ये चीज नहीं जानते? तुम्हारे पास 2 टाइप की ब्लड लाइन है, फ्यूचर में 3 टाइप की होंगी, तुम्हें तरीके खुद ढूंढने चाहिए, मैं हर चीज तुम्हें नहीं बता सकता। तभी जॉन कहता है, तीनों क्लेन की ब्लड लाइन होना क्या कोई बुरी बात है? तभी ओल्ड जान तुरंत ही कहते हैं, तुम्हें लगता है क्या ये कोई मामूली बात है? तुम्हारे पास स्काई फायर है, घोस्ट सोल है, क्या तुम्हें लगता है ये कोई मामूली बात है? एक ही समय में दोनों चीजों का होना, क्या ह्यूमन ट्राइब के बंदे के पास डायमंड ट्राइब का ब्लड होना क्या कोई मामूली बात है? तुम ह्यूमन ट्राइब में पैदा होने के बाद मैजिकल कोर की एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकते हो, क्या यह मामूली बात है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम कोई मामूली बात हो? तुम्हारी बात अगर दुनिया के बाहर पता चल गई तो तुम डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर सनसनी फैला दोगे, क्या तुम्हें लगता है कि यह कोई मामूली बात है? जान लाओ के मुंह से बार बार मामूली बात सुनकर तो जो यान हैरान रह जाता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि इसमें कौन सी बात मामूली है। लेकिन इसी के साथ मैं ये एपिसोड यहीं पे एंड कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो चुकी है और इतनी बड़ी बात अब हमें नहीं करनी चाहिए। तो लाइक से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और जो कुछ भी आए मन में करते रहना। मैं मिलता हूँ मॉर्निंग एपिसोड पे जो कि हमारा नून में आता है। टाटा बाय बाय।